Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Germany is a Schengen country. Hope you know about Schengen countries. अगर आपको जर्मनी का वीज़ा ग्रांट हो जाता है then you can move up to 27 European countries. Just assume that by getting German visa, you can visit almost 1/4 part of the world. और इसके अलावा आपके लिए पूरी दुनिया का दरवाज़ा ओपन हो जाता है. Even US and Canada भी आपके वीज़े को रिजेक्ट नहीं करते. You can apply for a Germany job seeker visa even not paying a single penny. तो फिर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया? ये 6 months का वीज़ा है जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हैं. इसका नेम जॉब सीकर वीज़ा है. एंड इन केस ऑफ गेटिंग जॉब आप वीज़ा स्टेटस चेंज कर सकते हैं इनसाइड द कंट्री. आपको कंट्री एग्जिट करने की ज़रूरत भी नहीं है. मैंने अब तक जितने लोगों से पूछा है उन सब का वीज़ा कन्फर्म हुआ है. मेरे सामने कोई रिजेक्शन केस नहीं है. दिस इज सर्टन कि जर्मन्स आर वेटिंग स्पेशली फॉर आईटी क्लाउड प्रोफेशनल्स. इसके अलावा और भी बहुत से प्रोफेशंस हैं जहां पे जर्मन्स को फॉरनर्स की ज़रूरत है. वेरी हाई सैलरी पैकेज. वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ डूइंग एन आईटी जॉब विथ पैकेज ऑफ 4500 यूरोस पर मंथ. इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.4 million. मतलब आप एक साल में तकरीबन 2 crore रुपए कमा सकते हैं. प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अप्लाई नाउ इमीडिएटली. पाकिस्तानियों के लिए वैसे भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज जो बाकी एशियंस हैं या जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें से लोगों ने अभी ज़्यादा जर्मनी की तरफ मूव नहीं किया. जस्ट एक फॉर्म फिल करना है विच विल टेक ओनली 5 minutes ऑफ योर्स एंड दैट्स इट. जर्मन एम्बेसी के पास आपकी वीज़ा रिक्वेस्ट पहुंच गई है बग़ैर 1 rupee खर्च किए हुए. अब आपने कुछ नहीं करना बट यू जस्ट नीड टू वेट फॉर योर अपॉइंटमेंट. ऑल्दो अपॉइंटमेंट टेक अ लॉन्ग टाइम बट अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. आज ही अप्लाई करें ताकि आपकी रिक्वेस्ट क्यू में लग जाए बग़ैर 1 rupee खर्च किए हुए. बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, मैं अभी आपके सामने फिल करूंगा. 5 minutes लगेंगे इसको फिल करते हुए. फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं मैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड फिल आउट द फॉर्म एंड दैट्स इट, यू हैव डन. सो लेट्स स्टार्ट टू फिल आउट द फॉर्म. जी फ्रेंड्स, ये वो सिंपल फॉर्म है जो आपने फिल आउट करना है. इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी नहीं है. जस्ट आपकी जो बेसिक बायोडाटा है वही है, जैसे लास्ट नेम है. अपना लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करता हूँ, अपना फर्स्ट नेम यहाँ मेंशन करता हूँ और ईमेल एड्रेस देता हूँ यहाँ पे. एक फीमेल सॉरी फेक ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे एंटर किया है gmail.com. अपना पासपोर्ट नंबर देना है. सिटीजनशिप यहाँ पे मेंशन करनी है, जो भी आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे पाकिस्तान है. टेलीफोन नंबर आप अपना मेंशन कर दें. एंड वीज़ा कैटेगरी फॉर्म, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपने देखना है. ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन है जॉब सीकर वाला, ये जस्ट आपने फिल आउट करना है दैट्स इट. और ये फिलिंग करने के बाद ये सबमिट कर दें और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा. और सबमिट होते ही ये जर्मन एम्बेसी में आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी. तो इतना छोटा सा काम था, ये 5 minutes के अंदर आप ये कर सकते हैं और आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जज़ाकअल्लाह खैर. अच्छा, बिफोर गोइंग टू एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एड समथिंग इम्पॉर्टेंट. अब कुछ ऐसे टास्क हैं जो आपने अपॉइंटमेंट डेट मिलने के बाद करने हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ही करके रख लें बिकॉज अगर अपॉइंटमेंट डेट में टाइम शॉर्ट हुआ तो आपको ट्रबल हो सकती है. तो एक प्रोडक्टिव अप्रोच ये हो सकती है कि आप टास्क पहले ही कर लें. ठीक है, वो टास्क क्या है, लेट मी गिव यू द डिटेल. फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट you have to start applying from LinkedIn, okay? Because LinkedIn is the most professional platform where the recruiters are available. आपने जर्मनी की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है and during your interview you have to ensure them that your process is in embassy and you will be soon in Germany for joining. इससे आपको advantage ये होगा कि अगर आपकी जॉब कन्फर्म हो जाती है then you can coordinate with embassy and can get appointment a bit earlier. ये मेरे एक दोस्त ने मुझे कन्फर्म किया है who is already in Germany
कि दिस मेथड इज़ वेरी सक्सेसफुल. सो यू हैव टू इवन गेट पेड लिंक्डइन सब्सक्रिप्शन टू गेट दिस टास्क सक्सेसफुल. तो आपने ये टेक्निक ज़रूर यूज़ करनी है. पॉइंट नंबर टू, आप अपना ब्लॉग अकाउंट जर्मनी में ओपन कर लें और उसमें 1200 यूरो तक डिपॉजिट करवा लें. ये ब्लॉक अकाउंट आपका ही है, इसमें अमाउंट भी आपकी ही है, किसी एजेंट को पे नहीं करनी, बल्कि ये जो आप 6 मंथ्स वहाँ स्टे करेंगे उसका एक्सपेंस इंश्योर करना है एम्बेसी को. दिस मनी विल बी केप्ट इन अ जर्मन बैंक एंड आफ्टर यू अराइव यू कैन विदड्रॉ फॉर योर एक्सपेंसेस. मीन यू स्टिल हैव नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी. अगर आप ये अकाउंट भी ओपन नहीं करवाना चाहते तो इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी है कि अगर आपका कोई फ्रेंड जो जर्मनी में है आपको स्पॉन्सर कर दे तो भी चल जाएगा. पॉइंट नंबर थ्री, योर क्वालिफिकेशन आर रिकग्नाइज्ड इन जर्मनी और आर इक्वलेंट टू अ डिप्लोमा रिसीव्ड इन द कंट्री. मीन आपने अपनी डिग्री वेरीफाई करवा लेनी है जर्मनी से. इनफैक्ट आपने ZAB जो एक जर्मन इदारा है उससे अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी है. इससे भी बचा जा सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी को जर्मनी एक्सेप्ट करती है, देन नो नीड फॉर इट. सो पहले काम ये कर लें कि एक वेबसाइट है जिस पे जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करना है और देन वेबसाइट विल कंफर्म यू वेदर योर यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टेड इन जर्मनी आर नॉट. इन केस इफ एक्सेप्टेड देन नो नीड टू गो वेरिफिकेशन फ्रॉम ZAB, बट इन अदर केस यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स ऑन ZAB फॉर वेरिफिकेशन. ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो अभी बनाऊँगा जिसमें ZAB से रेलिवेंट जो है ना वो डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा. पॉइंट नंबर फोर क्या है कि जब आपको इंटरव्यू डेट मिल जाए देन यू हैव टू बुक योर होटल ऑनलाइन, जो कि फ्री में हो जाता है. booking.com से या कुछ और वेबसाइट्स हैं जिससे वो फ्री में आप बुकिंग करवा सकते हैं. ये इंटरव्यू जाने से पहले पहले ये ज़रूर करवा लें. तो देन लास्ट वन इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस. वो भी किसी कंसल्टेंट की हेल्प से की जा सकती है विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट. इस पर भी अगर ज़रूरत हुई तो मैं डिटेल में एक वीडियो अपलोड करूँगा. बाकी कुछ स्मॉल रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक प्रिपेयर योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर पिक्चर्स एट्सेट्रा, जो कि आपको इंटरव्यू से पहले रेडी करके रखना है. That's it, nothing else. Hope this information was very fruitful for you. Please subscribe and comment below if you have any query to ask. I would certainly respond immediately, inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz.